में आई मीन मतलब कोई अब 20 प्लेयर्स तो ऐसे हैं, लोकल प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी बेस प्राइस ही 2 करोड़ है. यू नो लाइक द सॉर्ट ऑफ मनी यू गेट इन द आईपीएल इज मतलब उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना. बिल्कुल. यू कैन यू नो यू कैन अंडरस्टैंड द प्लेयर्स वांटिंग टू गो एंड प्ले देयर, क्योंकि अगर आपको हफ्ते के यार $2-3 लाख मिल रहे हैं सिर्फ हफ्ते ही क्रिकेट खेलने के लिए, और महीने क्रिकेट खेलने के लिए आपको $1 million मिल रहे हैं या $7-8 लाख मिल रहे हैं, तो कौन नहीं जाएगा. आईपीएल ऑक्शन के ऊपर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और चेंज ऑफ फॉर्च्यून्स है जी फॉर मेनी. यू नो आईपीएल ऑक्शन की जो खासियत है वो ऑब्वियसली ये मैड अमाउंट्स ऑफ मनी है, एंड यही वो बेसिकली यही वो चीज़ है जो फर्क पैदा करती है इसमें और दुनिया की किसी भी और लीग में. और बाकी जो फैक्टर्स हैं वो इस फैक्ट वो फैक्टर्स बनते हैं. ठीक है. सबसे बड़ा जो फैक्ट है वो आईपीएल की जो ऑक्शन है वो आईपीएल का जो अमाउंट ऑफ मनी दे स्पेंड ऑन प्लेयर्स एंड टीम्स, दैट इज द बेसिक रीजन कि क्यों ये अलहदा करता है आईपीएल को, और इसकी प्रेफरेंस क्यों वर्ल्ड ओवर क्रिकेट बॉडीज पे ज्यादा है, क्यों इसके लिए एक स्पेशल वक्त बनता है जिस दौरान सारी दुनिया के टॉप प्लेयर्स आईपीएल में जाते हैं और कहीं तो अपनी सीरीज छोड़कर भी चले जाते हैं क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ही ऐसे होते हैं. सो नमस्कार दोस्तों, आजकल आईपीएल का ऑक्शन चल रहा है और 2022 के आईपीएल ऑक्शन के लिए नए प्लेयर्स की बोली लग रही है. आवेश खान जो कि अनकैप्ड प्लेयर है उन्हें लखनऊ जैसी आईपीएल टीम ने 10 करोड़ में खरीद लिया है. आज तक आवेश खान ने इंडिया के लिए एक भी मैच नहीं खेला है और इतनी बड़ी रकम को देख के पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान है. ईशान किशन को 15 करोड़ में खरीदा गया है. इससे ये पता चल रहा है कि आईपीएल सारी क्रिकेट लीग में सबसे बड़ी लीग है और ज़्यादा पैसे वाली लीग है जिससे खेलने के लिए पूरी दुनिया के क्रिकेट प्लेयर्स सपने देखते हैं, मगर इस लीग में पाकिस्तान प्लेयर्स को खिलाने के लिए मनाही है. और पाकिस्तान मीडिया इस ऑक्शन को देखकर हैरान होती रहती है, उनकी इतनी बड़ी रकम देख के आंखें फटी की फटी रह जाती हैं. ऐसे होते हैं. सो आई थिंक के आज उसी चीज की एक दोबारा वो कह देंगे ना, एक चीज बार बार अपने आप को साबित करती है, तो आज की ऑक्शन ने भी ऐसा ही किया. बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कि यू नो कुछ तो ऐसे हैं जो इंडिया के लिए अभी पक्के टीम में भी नहीं है, टीम से इन एंड आउट हैं, कुछ अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, कुछ ऑब्वियसली ओवरसीज भी हैं ऐसे कि जिनको बहुत ज्यादा पजीराई मिली इस ऑक्शन में और जिनके ऊपर ज्यादा टीम्स लेना चाह रही थी. जैसे फॉर एग्जांपल हम निकोलस पूरन की अगर हम बात करें तो पूरन पिछले साल की जो आईपीएल है शायद उसकी 10 रन्स की भी एवरेज नहीं थी, ही डिडंट गेट मच रन्स और बड़ा ही उनका बुरा टाइम वहां चल रहा था. लेकिन बैट से तो अभी उसका अच्छा टाइम नहीं आया, लेकिन कोई नहीं, बी से बैंक भी होता है, उस पर बहुत अच्छा टाइम आ गया और वो उनकी बोली शुरू हुई और जाते 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 11.25 करोड़ पे जाके उनकी बोली खत्म हुई. और आई थिंक इसी तरह बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं. कृणाल पांड्या को आप देखें, वेरी एक्सपेंसिव बाय उनको किया उन्होंने, और इसी तरह ईशान किशन मुंबई ने जिस तरह उन्हें लिया है, उन्होंने अपना 15.25 करोड़. तो देयर इज अ लॉट ऑफ मैड मनी गोइंग ऑन फॉर प्लेयर्स एंड इट इज द चेंज ऑफ देयर फॉर्च्यून. और फिर हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं कि इंडियन प्लेयर्स कोई और लीग नहीं खेलते, तो BCCI हैज एवरी राइट टू यू नो आस्क देयर प्लेयर्स नॉट टू गो एनीवेयर बिकॉज वो इतना को उनको लुक आफ्टर कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस कि उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सो दे कैन पे अटेंशन टू देयर अदर फॉर्मेट्स और एक लीग के अलावा वो कहीं नहीं जाते, एंड दैट इटसेल्फ मेक्स देम एक्सक्लूसिव. अगर उनमें से कोई कभी कहीं जाएगा तो यू नो उसकी जो उसका जो पैकेज होगा विल बी एंटायरली डिफरेंट बिकॉज ये एक्सक्लूसिविटी में आ जाता है ना कि वो तो जाते ही नहीं है.